नमस्कार साथियों, कोरोना की वजह से लगातार हमारे शिक्षा का जो क्षेत्र है वो प्रभावित हो रहा है और उसी के संदर्भ में आज हमारे केंद्रीय संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक जी के साथ देश के सभी शिक्षा मंत्रियों की चर्चा हुई, जिसमें हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं श्री मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने कुछ डिमांड की हैं और वे डिमांड हमारे जो 10वीं और 12वीं क्लास के जो छात्र हैं CBSE के, जिसके पेपर कुछ रह गए हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं की जो बची हुई परीक्षाएं हैं उनको अभी कराना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए जैसे हमने 9वीं और 11वीं के बच्चों को पास किया था इंटरनल मार्क्स के आधार पर, उसी तरह से उन बच्चों को भी पास कर दिया जाए। तो दोस्तों, अगर ये मान ली जाती है तो ये उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अहम होगी जो अभी इस कोरोना की वजह से अपनी पढ़ाई को लगातार नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी डिमांड की कि जो भी पाठ्यक्रम है उच्च शिक्षा वाले, उसमें कम से कम 30% की कमी की जाए और JEE, NEET तथा अन्य शिक्षा संस्थानों के लिए भी प्रवेश परीक्षाएं वो भी कम कर दी जाएं और उनका पाठ्यक्रम भी उसी के आधार पर लिया जाए। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दूरदर्शन और AER FM पर रोजाना 3-3 घंटे के समय की मांग की, ताकि दिल्ली सरकार के शिक्षक सभी बच्चों की ऑन एयर क्लास ले सके। दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी खबर है। अगर केंद्रीय मंत्री इस बातों को गौर फरमाते हैं और वो इन पर अमल करते हैं तो आने वाले समय में 10वीं और 12वीं के बच्चों का रिजल्ट जल्दी आ सकता है और उनको पेपर देने की भी आवश्यकता नहीं होगी। उनके जो इंटरनल मार्क्स हैं या मिड टर्म के जो भी एग्ज़ाम्स हैं या प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं या कोई भी अन्य तरीका जो भी CBSE डिसाइड करेगी उसके आधार पर उनको पास किया जा सकता है और नीट और जो JEE के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनको भी काफ़ी सरल रूप से किया जा सकता है, ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को कहें इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहे। थैंक यू टगी सर जी।